हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से यह स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेल मनोविज्ञान का पार्ट टू है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोज सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर बनाए गए हैं, उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा। और डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, इसका ही प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते रहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आपकी तैयारी कितनी है, प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाधान के समय पुरुष एवं स्त्री की जनन कोशिकाएं मिलकर किस नवीन कोशिका का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति शक्ति किस कारक से संबंधित है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे वृद्धि और विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है अनुवांशिकी एवं वातावरण, जिसे प्रकृति एवं पोषण भी कहते हैं, जिसे नर्चर एवं नर्चर भी कहते हैं, नेचर एवं नर्चर भी कहते हैं। तो जो प्रकृति है उसको हम इंडिकेट करते हैं वंशानुक्रम से, ठीक है। प्रकृति शक्ति किस कारक से संबंधित है, तो वंशानुक्रम से संबंधित है। जैसे इसको बोला जाता है अनुवांशिकी एवं वातावरण, प्रकृति एवं पोषण, तो प्रकृति किसमें हुआ, अनुवांशिकी, और पोषण किसको कहा गया, वातावरण को। तो ध्यान में रखिएगा, यदि प्रकृति शक्ति पूछे किस कारक से संबंधित है, तो वंशानुक्रम से। यदि पोषण शक्ति पूछे किस कारक से रिलेटेड है, तो वातावरण से। क्योंकि दोस्तों, प्रकृति हमें शक्ति देती है, लेकिन उसका भरण पोषण जो है हमारा वातावरण इन्वायरमेंट करती है, ठीक है। यानी कि वंशानुक्रम, यानी कि जो अनुवांशिकी है उसने हमको शरीर आकार प्रकार रंग रूप दे दिया, बट शक्ति दे दिया, बट उसका विकास कौन करेगा, पोषण कौन करेगा, वातावरण। इसलिए प्रकृति शक्ति किस कारक से रिलेटेड है, वंशानुक्रम से यानी हेरिडिटी से। एंड जब पूछेगा पोषण शक्ति किससे रिलेटेड है, तो वातावरण से यानी इन्वायरमेंट से, नर्चर से, ठीक है। तो प्रकृति शक्ति किससे रिलेटेड है, किस कारक से, वंशानुक्रम यानी कि नेचर से। एंड पूछेगा कि पोषण शक्ति किस रिलेटेड है, तो वातावरण यानी कि नर्चर से, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया। तो दोस्तों, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान कहा गया, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोस्तों, जैसा कि मैंने मनोविज्ञान वाले वीडियो में पूरी डिटेल में बताया है कि मनोविज्ञान क्या है और खेल मनोविज्ञान क्या है, इनकी शाखाएं कौन कौन सी हैं, इस सब के बारे में जानने के लिए आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर लास्ट में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया। अगर वर्तमान में क्वेश्चन पूछे कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया। तो दोस्तों, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में कहा गया, और इसको किसने कहा, विलियम वुंड, विलियम जेम्स ने इसको कहा। जैसा कि दोस्तों, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लेटो, डेकार्स आदि ने कहा 16वीं शताब्दी में। मन मस्तिष्क का विज्ञान पेम्पोनोलॉजी ने 17वीं शताब्दी में। एंड चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड, विलियम जेम्स, वाइट्स, जेम्स आदि। व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थार्नडाइक, मैकडूगल इसके समर्थक हैं। बट दोस्तों, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने वाले पहले मनोवैज्ञानिक हैं वाटसन, ठीक है। इन्होंने, वाटसन ने मनोविज्ञान को शुद्ध मनोविज्ञान कहा है। तो इस प्रकार मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया, तो 19वीं सदी के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान में आत्मा खोया, इसके बाद मन खोया, तदुपरांत क्या खोया, तो उसके बाद खोया चेतना, ठीक है। उसके बाद क्या खोया, चेतना, फिर उसके बाद क्या हुआ, व्यवहार बन गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोस्तों, जैसा कि ये परिभाषा जो है
कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोया, इसके पश्चात मन खोया, तद उपरांत अपना चेतना खोया, और यह सब व्यवहार के साथ अब तक जुड़ा हुआ है। इस परिभाषा को कहा है मैकडूगल ने, इस परिभाषा को दिया है मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है। तो दोस्तों मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है वो दर्शन शास्त्र से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है वर्तमान में मनोविज्ञान मानव पशु व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक समय मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आधुनिक समय में विज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है, इसको किसका विज्ञान कहा जाता है, व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार का क्वेश्चन कि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, तो मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान का प्रारंभ किससे होता है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है निरीक्षण परीक्षण क्रमबद्धता ही विज्ञान का कहा जा, किसी भी चीज को विज्ञान या प्रक्रिया है, तो विज्ञान का प्रारंभ निरीक्षण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की विकासात्मक मनोविज्ञान शाखा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं हैं। तो दोस्तों मनोविज्ञान की कुल 10 शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते थे। तो अरस्तु मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना है। तो ग्रीक के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, चेतना का अध्ययन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। ऐसा कि आप सबको पता हो गया कि आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंड ने कब की। तो दोस्तों प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंड ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लीपजिग शहर में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी दोस्तों, लीपजिग जर्मनी में, ठीक है। कब, 1879 में। किसने किया था, विलियम वुंड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि दोस्तों विलियम वुंड को मनोविज्ञान का पिता माना जाता है, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स को कहा जाता है, और खेल मनोविज्ञान के पिता कोलमैन ग्रिफिथ को कहा जाता है, और शिक्षा मनोविज्ञान के पिता थार्नडाइक को कहा जाता है, और व्यवहारवाद के जन्मदाता वाटसन को कहा जाता है। ये सब आप ध्यान में रखिएगा। और शिक्षा में खेल जनक, खेल के जनक कहा जाता है कार्ल विल कुक को, ठीक है। और शिक्षा में किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली यानी खेल विधि के जन्मदाता है फ्रॉवेल, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनपदों अथवा परीक्षा केंद्रों को विभिन्न संकेत प्रदान करने में किस मापनी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें वर्गीकरण मापनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। इस बात को कहा है क्लार्क एवं क्लार्क ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि मनोविज्ञान शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन है। इस कथन को कहा है के एम बंस ने, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट में होंगे। आई होप कि दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आते होंगे। जो भी डाउट है आपको, आप मेरे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।